हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री की पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षक के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा कैसे जाता है ना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहला है आपबाउ का नियम। आपबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या फिर बनाना, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार विभिन्न उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होता है उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है, यानी कि जो सबसे कम ऊर्जा वाला जो कक्षक होता है, ठीक है, उपकोश या कक्षक एक ही चीज़ है, तो जो सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक होगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाला कक्षक में, ठीक है, फिर उसके बाद उससे अधिक वाले ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। देखिए लिखा भी है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में भर जाते हैं, उसके भरने के बाद यानी कि जब पहला कक्षक भर जाता है तो उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला है 1s, पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 4s में, 4s के बाद 3d में, फिर 4p, फिर 5s, 4d, 5p, 4f, 5d, 6p, 7s और उसके बाद इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये कह रहा है कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम, यानी सबसे कम ऊर्जा जो है 1s में होगी, उसके बाद 2s में, फिर 2p में, ठीक है। इस प्रकार से ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए बहुत ही फेमस डायग्राम है आपबाउ के नियम में, ठीक है। इस जो है डायग्राम के माध्यम से ही हमें इलेक्ट्रॉनों को भरना आना चाहिए। इसके आगे अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है ना, तो उसको सीखने के लिए हमें ये डायग्राम याद होना चाहिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में, किस उपकोश में, किस कक्षक में भरे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ तीर के माध्यम से दिख रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है 1s में भरा जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 2s में, 2s के बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2p के बाद 3s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, फिर यहाँ से 3d में, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5p, फिर 5p के बाद 4d में, 5p में, 6s में, फिर यहाँ से 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, और इसी प्रकार से 5f, 6d, 7p, और इसी प्रकार से जब आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है तो हम इसका नंबर जो है बढ़ाते जाते हैं, है ना। तो आपबाउ के नियम में ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सबको याद होना चाहिए और बनाने आना चाहिए मेन चीज़, है ना। ये चीज़ें पहले तो बनाने आ जाइए, जब बनाने आ जाएगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। नेक्स्ट नियम है पावली का अपवर्जन नियम। पावली एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कक्षकों में भरे जाने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा प्रदर्शित किया था। उनका कहना था कि कोई किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरी जाती है वो एक अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होती है ना। तो इनके अनुसार किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में ही क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा है ना। क्वांटम संख्या कितनी होती हैं, चार होती हैं, जिसे किससे शो किया जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या को शो किया जाता है n से, फिर दूसरी क्वांटम संख्या थी द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो उसे शो किया जाता था l से। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित किया जाता है। और चक्रण क्वांटम संख्या है चौथी क्वांटम संख्या,
तो इसे चक्रण क्वांटम संख्या को ऐसे प्रदर्शित किया जाता था, है ना। तो इनका कहना था कि किसी भी कक्षक में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनका चक्रण जो है विपरीत होना चाहिए, और किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं का मान जो है कभी भी समान नहीं होता है। एन एल और एम यानी कि तीन क्वांटम संख्या का मान तो समान हो जाएगा, लेकिन एस का मान यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या जो है उसका मान कभी भी समान नहीं होगा, है ना। स्पिन क्वांटम संख्या में हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन दो तरह से चक्रण लगाता है, एक वामावर्त और एक दक्षिणावर्त, है ना, यानी कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज जो है इलेक्ट्रॉन चक्रण लगाता है, जिसे प्लस हाफ और माइनस हाफ से शो करते हैं। तो मान तो हमेशा किसी का प्लस हाफ आ जाएगा, किसी का माइनस हाफ आ जाएगा, तो क्या समान रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। जैसे इसे हम किसी एक उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे हम ले ले रहे हैं एन का मान, एल का एन का मान अगर हम लेंगे वन, तो एल का मान कितना होगा, यहाँ लिखती हूँ, एन बराबर अगर वन है तो एल का मान क्या होगा, एल का मान हमेशा एन के मान से क्या होता है, कम ही होता है, है ना। अभी पिछली क्लास में ही समझे हैं आप लोग कि L का मान हमेशा N के मान से कम होता है। तो L का मान जब 1 आया तो L का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 कम हो गया। M का मान जो होता है L के मान पर निर्भर करता है, यानी जितना होगा उतना ही होगा ये M का मान, तो अगर 0 है तो ये 0 ही होगा, है ना। और S का मान हमने देखा था कि जो स्पिन क्वांटम नंबर था वो या तो दक्षिणावर्त कर सकता था गति, है ना, तो उसके लिए प्लस हाफ लिखते हैं, या फिर वामावर्त तो माइनस हाफ, यानी इस तरह से दो मान इसके ज्ञात हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे L और M के मान तो समान है, N और S के मान असमान है, है ना। इसी प्रकार से मान जाए एक और हम एग्जांपल लें, N बराबर अगर हम ले लेते हैं 2, ठीक, N बराबर 2 लिया तो L का मान क्या हो जाएगा, हमेशा इससे कम होगा, ठीक है। N बराबर 1 है, सॉरी 2 है, तो L का मान क्या हो सकता है, दो मान होता है ना, 0 और 1, है ना, एक तो इससे कम भी हो सकता है, अगर हम चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, अगर हमें पूरा लिखना है तो 0 और 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दो मान लिख देती हूँ, 0 और 1 लिखती हूँ, ठीक है। तो 0 के लिए M का मान क्या होगा, 0 के लिए तो 0 ही हो जाएगा, ठीक, लेकिन 1 के लिए जब 1 आ गया L का मान तो क्या लिखेंगे, माइनस 1, 0 प्लस 1, ठीक है, माइनस 1, 0 प्लस 1, मैंने बताया था पिछली क्लास में। फिर अगर S का मान हम ज्ञात करेंगे, S का मान तो 0 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक, यही होगा, और इनके लिए माइनस 1 के लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर 0 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर ये प्लस 1 के लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एस के मान हर कंडीशन में क्या हो जाएगा, एस का मान हर कंडीशन में अलग ही आएगा। चलिए इसे फिर से समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एन यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को एन से शो करते हैं ना, तो एन का मान जब हमने 1 रखा तो एल का मान हमेशा क्या होता है, एल बराबर एन माइनस 1 होता है, है ना, तो 1 में से 1 गया यानी कि 0। इसी प्रकार से एम का मान भी एल के मान पर निर्भर करता है, तो एम का मान भी 0 हो गया, और एस का मान होता है प्लस हाफ यानी और माइनस हाफ, यानी कि दो मान होते हैं इसके, इसे आप प्लस माइनस हाफ भी लिख सकते हैं, आप इसे प्लस माइनस हाफ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके हमेशा दो मान होते हैं एस के। इसी प्रकार से जब हमने एन का मान 2 रखा तो एल के दो मान होंगे, एक 0 होगा एक 1 होगा, है ना, और एम का मान क्या हो जाएगा, 0 के लिए तो 0 हो जाएगा और 1 के लिए माइनस 1 प्लस 1 सॉरी माइनस 1 0 प्लस 1 ये हो जाएगा। 0 के लिए S का मान क्या होगा, जीरो के लिए S का मान
प्लस हाफ, माइनस हाफ, और सबके लिए अलग अलग, ये तीन है तो तीनों के लिए अलग अलग मान, यानी कि माइनस वन के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक, ये इसके लिए है। फिर जीरो के लिए जो मान होगा वो भी होगा प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर प्लस वन के लिए जो मान है वो भी होगा प्लस हाफ माइनस हाफ। तो इस प्रकार से इसके छह मान हमें मिल जाते हैं। इसी प्रकार से n का मान तीन रख के भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने n का मान थ्री लिया तो l का मान क्या हो जाएगा, जीरो वन टू, ये होगा, है ना। फिर m का मान क्या हो जाएगा, जीरो के लिए जीरो हो जाएगा, सेम इसी तरह से प्लस हाफ माइनस हाफ हो जाएगा। s का मान वन के लिए माइनस वन, जीरो प्लस वन, और टू के लिए माइनस टू, माइनस वन, जीरो प्लस वन, प्लस टू, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन तीनों के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है, इस तरीके से छह मान ज्ञात होंगे। और यहाँ पे टू के लिए पहले माइनस टू के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर माइनस वन के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, इस तरह से लिखते जाएंगे हम। अगला नियम है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, यानी कि इस नियमानुसार समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद उनके जोड़े भरे जाते हैं, ठीक है, और बाद में भरने वाले इलेक्ट्रॉनों का चक्रण पहले भरने वाले इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होता है। यानी कि इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जब विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो इलेक्ट्रॉन की ऐसी टेंडेंसी रहती है कि वो अनपेयर रहना चाहते हैं, ठीक है, और उनका चक्रण जो होता है, चक्रण की दिशा भी एक ही दिशा में होती है, एक ही समान होती है। लेकिन जब सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं पूर्ण रूप से, फिर इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं उन्हीं कक्षकों में, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनका चक्रण जो होता है वो विपरीत होता है, यानी जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन थे उनके विपरीत चक्रण होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अगर एस उपकोष में जा रहा है, एस उपकक्ष में जा रहा है, तो एस में तो एक ही उपकक्ष होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है एस में, है ना, तो इलेक्ट्रॉन आराम से एस में जाएगा, एक इस तरह से फिल होगा और एक विपरीत इस प्रकार से। आप चाहें तो पूरा भी ऐसे तीर बना सकते हैं या हाफ तीर, जैसा भी आपको ठीक लगे। लेकिन जब पी उपकोष में भर जाते हैं तो P में हमने देखा है कि P में ऑर्बिटल कितने होते हैं, तीन होते हैं, Px, Py और Pz, है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले P कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में फिल करते हैं इस प्रकार से, ठीक। इलेक्ट्रॉन जो है इसी प्रकार से पहले प्रत्येक कक्षक में भर दिए जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जस्ट विपरीत दिशा में भरे जाते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए डी कक्षक अगर हम लें तो पांच होते हैं इसके, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पहले प्रत्येक कक्षक में इस तरह से भर दिए जाते हैं, इसके बाद इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण
को ही उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, यानी कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे गए हैं उसको लिखने का तरीका ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, है ना। जैसे अभी हमने अफबाऊ का नियम पढ़ा था तो हमने देखा था कि कम ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में भरे जाते हैं, है ना। जिसकी सबसे कम ऊर्जा होती है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं, उसके बाद वाले कक्षकों में फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो सबसे कम ऊर्जा थी एस कक्षक में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में गए थे, एस में गए थे, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में, इस प्रकार से भरे गए थे, है ना। और मैंने आप लोग को डायग्राम भी दिखाया था कि वो आप लोग को याद भी करना था कि इस तरह से इसको भरा जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आए इसके लिए आप लोगों को सारे एलिमेंट्स के नाम याद करने जरूरी हैं, और एलिमेंट्स के नाम ही नहीं उनको क्रम के अनुसार, ठीक है, परमाणु क्रमांक जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है नंबर भी याद होना चाहिए। जैसे कि पहला है हाइड्रोजन है, दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम, इस प्रकार से अगर आपको नंबर वाइज नहीं याद होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाएंगे, है ना। या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, है ना, कोई भी एलिमेंट्स हो, अगर उसका आपको नंबर नहीं याद होगा कि ये कौन से नंबर पे है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी किसी एलिमेंट का नाम दे देगा, कह देगा सोडियम तत्व का, है ना, सोडियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, या फिर आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, ठीक है। तो आपको नहीं पता रहेगा कि आर्गन का नंबर क्या है, कौन सा परमाणु क्रमांक है, किस संख्या पे है आर्गन, तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक 40 वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ज्ञात कीजिए, तथा ये भी बताइए कि कौन सा एलिमेंट है, तो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो 10th में तो आप लोगों ने याद किया ही होगा, 11th क्लास में भी आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना है, सीखने के लिए आपको एलिमेंट्स के नाम याद करने आवश्यक हैं। तो ये देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो जैसे देखिए हाइड्रोजन है सबसे पहला इलेक्ट्रॉन है, है ना, सबसे पहला एलिमेंट्स है, है ना। तो हाइड्रोजन जो है सबसे पहला एलिमेंट्स है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी कि इसमें हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे, 1s1, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं पहले कोश में, ये 1 लिखा है मैंने कोश को बताने के लिए, और ये 1 लिखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है एस कोश में भरे जाएंगे, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक, ठीक। अगर हम हुंड के नियम के अनुसार इसे फिल करें तो एस में एक ही कक्षक होता है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भर दिया। फिर उसके बाद आती है बारी हीलियम की, हीलियम का दूसरा स्थान है, दूसरा परमाणु क्रमांक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, तो हीलियम का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2। और हुंड के नियम के अनुसार कैसे भरेंगे इसे, एक ये इलेक्ट्रॉन भर गया और दूसरा इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में। है ना, इसे 1s1 और इसे आप 1s2 यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, अब बारी है लिथियम की, तीसरा है लिथियम, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 1s2, यानी कि s में तो आप फुल फिल होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 फिर होगा 2s1 में। देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को अफबाऊ का नियम का जो डायग्राम था, फिगर था, उसको मैं दिखा रही हूँ। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो हमने किसमें भरा है, 1s में, है ना, देखिए 1s में भरा। फिर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो किसमें जाएगा, एस में 2 कक्षक होते हैं तो इसमें आराम से 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, है ना, एस में। अब यहाँ देखिए लिथियम की जब बारी आ रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो भर गए इसमें एस वाले कक्षक में ही, है ना, लेकिन
इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में पहले जाता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कहाँ जाता है 2s में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2s1। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमें लिखा 2s1। तो यहाँ फिगर किस तरह से बनेगा, इसका हुंड के नियम के अनुसार ये हो जाएगा 1s2, फिर होगा 2s1, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है ये, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। चलिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के बाद आ रही है बारी बेरिलियम की। बेरिलियम चौथा नंबर है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2। ठीक है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, है ना, और इसमें एक ही एक कक्षक है, ऑर्बिटल की संख्या एक ही है, तो ये हो गया 1s2 और ये हो जाएगा 2s2, यानी कि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बारी है बोरान की। बोरान पांचवा नंबर, 5 इलेक्ट्रॉन, तो बोरान को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गए 1s में, तो हमने लिखा 1s, फिर लिखा 2s, 2s में इलेक्ट्रॉन गए, फिर कहाँ आ रहा है 2p में, 2p, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 है, ठीक है, काउंट कीजिए 2 हो गए, 2s में 2 हो गए, 2, 4, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो हम किस में जाएंगे, p में, यानी कि 1s2, 2s2, 2p1, इस प्रकार से होगा। पी में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, है ना, तो 1s2 पहले, 1s2 पहले हम फिल कर लेते हैं, 1s2 में हो जाएगा, है ना, फिर इस प्रकार से 2s2, और पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 भागों में बटा होता है पी, है ना, तो ये है 2p, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने फिल कर दिए, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए, तो हमने लिखा, हमने फिल कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो हमने यहाँ 1 इस तरह से भरा। ठीक, इसके बाद बोरान के बाद आती है कार्बन की बारी। कार्बन का नंबर है 6, इलेक्ट्रॉन है 6, तो अब हम कैसे भरेंगे इसमें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गए 1s2 में, यहाँ साइड में आप बाहु का नियम आप लोग देखते रहिए, फिर 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन यही हो गए, 2 यहाँ 4 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन की और आ सकता है हमें, तो हम क्या करेंगे, p में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 1s2, 2s2, 2p2, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कार्बन का। अब इसे फिल करते हैं, वन एस टू, टू एस टू, टू पी टू, तो 1s2 में हमने 2 इलेक्ट्रॉन आराम से भरा, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, है ना। अब आ रही यार ये 2p2 की, तो हम क्या भरेंगे, यहाँ ऐसे ऐसे कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, अभी मैंने बताया हुंड के नियम में कि पहले सब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, है ना। चलिए, कार्बन के बाद आ रही है नाइट्रोजन की बारी। 7 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, 1s2, 2s2, 2p3, है ना, तो 1s2, 2s2 वाला तो इस तरह से भरा जाएगा, और 2p3 की जब बारी आएगी तो क्या करेंगे, एक इसमें, एक इस वाले पार्ट में, और एक इसमें, इस प्रकार से भरेंगे। चलिए, नाइट्रोजन के बाद अब आ रही है बारी ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की। तो ऑक्सीजन जो है उसमें है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p4, है ना, ये 2, 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, और साथ में ये 4 कितने हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए इलेक्ट्रॉन,
तो 1s2 2s2 वाला तो सेम यही पैटर्न चलेगा, है ना। 1s2 2s2 में तो दो दो इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम आ रहे हैं 2p4 में, तो हमने तीन इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, है ना। ऑक्सीजन के बाद आती है फ्लोरीन की बारी, फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे 1s2 2s2 2p5, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर नियॉन में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 ये होगा, है ना। और फिर हम इसका कैसे लिखेंगे, इसका जब 2p6 आ गया तो हम आराम से फिल कर देंगे 1 2 3 4 5 6, है 2p6, ठीक है। हम जितना इलेक्ट्रॉन रहता है जिसमें, किसी भी एलिमेंट्स में कितना इलेक्ट्रॉन है उसे हम यहीं से काउंट कर सकते हैं, 10 है तो यहीं से हम इसे जांच भी सकते हैं कि सही है कि नहीं, हम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो है सही बना रहे हैं कि नहीं। तो देखिए एस में दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं हमेशा, ठीक है। 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 हो गया। पी में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रूप से भरे जा सकते हैं, तो यहाँ पे फुल फिल है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, है ना। तो 6 4 कितने हुए 10, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। जितना परमाणु क्रमांक आ रहा है, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है, उतना ही संख्या आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी। और जब हुंड के नियम के अनुसार जब हम भरेंगे तो इस प्रकार से भरेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा इसे लिखें, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जाए तो आप इतनी चीज़ें ही लिख सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि हुंड के नियम के अनुसार आप बताइए, तो आपको इस तरीके से बॉक्स के द्वारा शो करना होगा, ठीक है। और साथ में आपको ये भी याद रखना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरें किस में, पहले 1s में, फिर उसके बाद 2s में। जब 2s पूरी तरह से फुलफिल हो जाए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, फिर हम जाते हैं 2p में, है ना। यहाँ जैसे 2p में आए, जब p में 6 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर जाते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर जाएं, तब हम आएंगे 3s में। और यहाँ s है तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे, है ना। फिर 3p में, फिर 4s में, इसी तरीके से 3d में, 4d में, 5s में, है ना। तो ये आप लोगों को बनाने भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाएंगे। तो जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। लेकिन पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक क्या है, है ना, तत्व का नंबर कौन से नंबर पे है एलिमेंट्स, या फिर नंबर है तो उसे किस तरह से भरा जाए। अफबाउ के नियम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, है ना। तो स्ट्रक्चर अगर याद हो जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करना। देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैं इसे दिखा दे रही हूँ। देखिए चैप्टर सेकंड का जो लास्ट है, तो लास्ट में ये दिया हुआ है, सारे एलिमेंट्स के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का तरीका सिखाया गया है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन है तो जेड है, यानी कि परमाणु क्रमांक, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक जो भी आप कहें, ठीक। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1, ठीक है। ये पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं गई हैं, यहाँ पे आपको खुद से समझना होगा। हीलियम का दो परमाणु क्रमांक है, दो इलेक्ट्रॉन है तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, दो इलेक्ट्रॉन 1s2, ठीक है। लिथियम का देखिए 1s2 2s1, है ना, 1s2 2s1। बेरिलियम 1s2 2s2। बोरान 1s2 2s2 2p1, ठीक है। इसी प्रकार से कार्बन का होगा 1s2 2s2 2p2। फिर है नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ठीक है।
फिर यहाँ देखिए ऑक्सीजन है 4, 2p4 है, 2p5, 2p6। इसके बाद ये देखिए सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, है ना। मैग्नीशियम का इसी तरीके से 3s2। फिर नीचे है एल्युमिनियम है, तो यहाँ 3s2, 3p1, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है।